नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़ की, जिसे हम सदियों पहले छोड़ चुके हैं। जी हाँ, गुड़ हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और 50 से 60 साल पहले इतिहास में जाएं तो हम मीठे के तौर पर सबसे पहला और प्राथमिक विकल्प गुड़ को ही चुना करते थे। चाय हो या दूध, हम मीठा करने के लिए गुड़ का ही इस्तेमाल किया करते थे और कई तरह की मिठाइयों में भी गुड़ का ही इस्तेमाल किया जाता था। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुड़ किस प्रकार से आपके जीवन में एक अहम बदलाव ला सकता है। आपकी कई तरह की बीमारियों को दूर करने में गुड़ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। गन्ने के रस से गुड़ और चीनी दोनों बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी बनने पर आयरन तत्व, पोटेशियम, गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम आदि तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गुड़ में ये तत्व पूरी मात्रा में मौजूद होते हैं। गुड़ विटामिन ए और विटामिन बी का बेहतरीन स्रोत होता है। गुड़ के कई ऐसे फायदे हैं जिन्हें जानकर आपको गुड़ खाने की इच्छा बढ़ जाएगी। क्या है गुड़ में और कैसे आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है गुड़, आइए डालते हैं नजर इसके कुछ शानदार फायदों के बारे में। लेकिन एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। गुड़ खाने से नहीं होती गैस की दिक्कत। खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खाने का मन करता है, इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप गुड़ खाएं। गुड़ का सेवन करने से आप हेल्दी रह सकते हैं। गुड़ में कई इस प्रकार के तत्व होते हैं जो खाना पचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं तो आपको कई प्रकार की बीमारियों से ये बचा कर रखता है, क्योंकि जब आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है तो कई प्रकार के रोग आपके पास भी नहीं झांकते। गुड़ खून साफ करता है और मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। रोज एक गिलास पानी या दूध के साथ गुड़ का सेवन पेट को ठंडक देता है। इसका सेवन करने से गैस की दिक्कत दूर भाग जाती है। जिन लोगों को गैस की परेशानी है वो रोज लंच या डिनर के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। गुड़ आयरन का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए ये एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत जरूरी बताया गया है, क्योंकि महिलाओं के शरीर को 30 की उम्र के बाद से ही कुछ जरूरी पोषक तत्व मिलना बंद हो जाते हैं, जबकि महिलाओं के शरीर को ये पोषक तत्व अधिक मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं और उस समय शरीर में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, इसलिए गुड़ का सेवन महिलाओं को भी पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। त्वचा के लिए भी गुड़ बहुत उपयोगी माना जाता है। गुड़ ब्लड से खराब टॉक्सिन्स को दूर करता है, जिससे त्वचा दमकती है और मुहासे की समस्या दूर हो जाती है। इसको इस तरह भी देखा जाता है कि गुड़ खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है, जिससे आपके पेट में कभी भी गंदगी इकट्ठा नहीं होती, जिसकी ब्लड में शामिल होने की संभावना कम रहती है और आपके खून में ये गंदगी नहीं जा पाती, जिसके कारण त्वचा साफ और दमकती रहती है। गुड़ की तासीर होती है गर्म, इसलिए इसका सेवन जुकाम और कफ से आराम दिलाता है। जुकाम के दौरान गुड़ आपको बहुत फायदा कर सकता है। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है, सीधा सीधा आप गुड़ नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इसकी चाय बना लीजिए या फिर लड्डू में इसका उपयोग करके इसका सेवन जरूर कीजिए। आपको इसके फायदे जरूर नजर आएंगे। बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस करने पर गुड़ का सेवन करने से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। गुड़ जल्दी पच जाता है, जिससे शुगर का स्तर भी नहीं बढ़ता है। दिन भर काम करने के बाद जब भी आपको थकान लगे, तुरंत गुड़ खा के दीजिए, आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि एड में जब भी भूख को दिखाते हैं तो उसमें चॉकलेट खाते हुए दिखाते हैं, जिसमें कई तरीके के पोषक तत्व दिखाने का दावा करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इतनी बड़ी चॉकलेट भी एक छोटे से गुड़ के टुकड़े के आगे कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपको तेज भूख लगे तो बाहर का कुछ न खाएं और उसकी जगह पर गुड़ खाएं और घर जाकर ही खाना खाएं। गुड़ शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। इसमें एंटी एलर्जिक तत्व होते हैं, इसलिए दमा के मरीजों के लिए इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया जाता है। रोज गुड़ के एक टुकड़े के साथ अदरक का सेवन करें, इससे जोड़ों के दर्द की दिक्कत नहीं होती है। पहले यह होता था कि गांव में जब भी गुड़ कोल्हू पर निकाला जाता था तो उसमें सौंठ मिलाकर एक सौंठिया नाम से चीज बनाई जाती थी, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन आपको बता दें कि उसमें इतनी ज्यादा शक्ति होती थी कि किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द को वो ठीक करने की ताकत रखता था। गुड़ के साथ पके चावल खाने से बैठा हुआ गला और आवाज खुल जाती है। गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से सर्दी में अस्थमा की परेशानी नहीं होती है। अगर जुकाम जम गया है और जुकाम काफी दिन से हो रखा है तो भी गुड़ आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। बस आपको करना ये है कि गुड़ को पिघलाइए और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख दीजिए। वो एक पपड़ी के रूप में बन जाएगा और उस पपड़ी को खा लीजिए, आपके जुकाम में काफी फायदा मिलेगा।
गुड़ और घी मिलाकर खाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी इमरजेंसी में कान में दर्द हुआ करता था तो लोग गुड़ में घी मिलाकर खाया करते थे और उसका फायदा तुरंत मिल जाया करता था। खाने के बाद गुड़ खाने से एसिडिटी, अपच और पेट में गैस बनने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। 5 ग्राम सौंठ 10 ग्राम गुड़ के साथ लेने से पीलिया रोग में फायदा मिलता है। गुड़ का हलवा खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। जी हाँ, गुड़ का हलवा आज भी गाँव में बनाया जाता है और इससे दिमाग दुरुस्त रहता है, फ्रेश रहता है और नेगेटिव विचार और फालतू के विचार आपके दिमाग में नहीं आते हैं। आपको ये गुड़ के फायदे कैसे लगे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और ये जरूर बताएं कि क्या अभी भी आप गुड़ का सेवन करते हैं, और अगर आप करते हैं तो आपको क्या फायदा देखने को मिला है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।